नमस्कार और मैरी क्रिसमस मेरे उन साथियों को, मेरे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और गलती से अगर एंटी ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत नमस्कार, मैरी क्रिसमस। मुद्दा आपको सबको पता है कि भैया 75% का जो क्राइटेरिया डाल दिया है ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इतने दिन हो गए, वक्त बढ़ता जा रहा है और बच्चों को अब तक आपने नहीं बताया कि भाई ये होगा या नहीं होगा। बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2021 वाले, 2022 वाले, इंप्रूवमेंट का टाइम निकल गया, अब वो कैसे इस बात को ठीक करें। तो आज मेरे 2-3 पॉइंट हैं जिस पर मैं बात करूंगा और शायद आप इस पर बात करें, आप इस पर समझें, इसे सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरा, पॉइंट 1, एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है। 1860 के जो आर्टिकल है उसके तहत आपको कोई प्रेशराइज कर ही नहीं सकता। कुछ बच्चे बता रहे हैं, जैसे वीडियो देखी मैंने कि भैया वो गए हैं तो एनटीए ने कहा कि आईआईटी गुवाहाटी उनका उनसे कमांड आई है कि बताया गया है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप ये एग्जाम में 75% की रिक्वायरमेंट रखें। तो भैया आप ऑटोनोमस बॉडी है तो ये तो आपको कोई प्रेशराइज कर ही नहीं सकता। दूसरा, आपका जो जब एनटीए की फॉर्मेशन हुई थी तो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी बहुत उत्साहित होकर कि इंडिया का जो टेस्टिंग सिस्टम है उसके लिए एक ऑटोनोमस सिस्टम बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा छात्रों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। उसमें एक वर्ड था इक्विटी, समानता का अधिकार। तो शायद आप उससे लैक कर रहे हैं। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समान अधिकार का मतलब है जो बच्चे पिछले ड्रॉपर थे, 721 वाले, 22 वाले, उनको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, तभी एक फाइट होगी। और उन बच्चों का क्या होगा, वो कहीं वो 10 या 20 या कई कम बच्चे नहीं है, वो लाखों में है बच्चे। और वैसे भी अगर एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान का तो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए समानता का। तीसरा पॉइंट है जो आप बहुत ज्यादा, जिसे हम लेके बहुत मतलब दुखी रहते हैं कि आपका जो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है या किस कोई भी आप रेस्पॉन्ड करते हैं तो या तो मीडिया को करते हैं कि किसी न्यूज़पेपर को आप बता देते हैं या किसी कोचिंग को बताते हो कि कोचिंग से आप इस मुद्दे पे, जो इतना बड़ा मुद्दा है, आप उससे कोचिंग के लोग या यूट्यूब पर ही पता लगता है कि भैया ये चल रहा है। जबकि यहां होना चाहिए कि आपको अपनी ये जो भी बातें हैं आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आनी चाहिए, कोचिंग के लोग आपसे कांटेक्ट करें, कोचिंग के लोग आपको बताएं कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत बात है। आपको स्टूडेंट्स और गार्जियन और पेरेंट्स की चिंता होनी चाहिए, ना कि किसी और मीडिया की या किसी की। और आपके पास एक बढ़िया मीडिया है, आपके पास वेबसाइट है, आप उससे हमें बता सकते हैं कि भाई क्या होना है। दूसरा, अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और बाकी सब बच्चों को भी जो देख रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को, कि आपने जो पॉइंट था, जो ड्रॉपर्स ने जो पॉइंट रखा था कि ये 75% का मुद्दा हटना चाहिए, उसको अलग डायरेक्शन में ले गए आप। आपने पोस्टपोनमेंट की बात करनी शुरू कर दी। बच्चों, पोस्टपोनमेंट का तो दूसरा एक पॉइंट है, क्योंकि पोस्टपोनमेंट अगर आपको ये अटेम्प्ट नहीं देना तो आप अप्रैल का अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को मौका ही नहीं मिल रहा उनके लिए तो बहुत बुरी बात है, उनका तो पूरा साल वेस्ट हो गया। और कह सकते हैं कि आपने रास्ता ही बंद कर दिया उनका अगले साल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का। एनआईटीज, IIITs, CFTI, ये ऑप्शन होते हैं आईआईटी के बाद बच्चे के पास। अगर यही बंद कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चों का। तो इसलिए पोस्टपोनमेंट की बात ना करके पहले आप बात करिए कि इनका जल्दी से जल्दी आपको आपको न्याय मिले, आपका ये अलाउ करें आपको। दूसरा, इसे हो सकता है तो आप ट्वीट करिए अपने ट्विटर, बहुत सारे टीचर लगे हुए हैं, कोचिंग टीचर्स, अब उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है ना, वो भी आपकी मदद के लिए वही आगे आएंगे। अदरवाइज एनटीए को आना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य कि वो नहीं आ रहे हैं, तो कोचिंग लोग, टीचर्स, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उनके साथ जाइए, ट्वीट करिए और जिस भी मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं करिए। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो जाके ऑफिस में मिलिए एनटीए से और करिए। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं और दुआ करते हैं कि जल्दी आपको न्याय मिले। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।